हो गई है। तो ये भाई लोग रहते हैं वापस हैं, चलो चलो। तो देख सकते हो भाई हमेशा ठीक है। वेलकम बैक टू द चैनल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं आपका भाई रिंकू व्लॉग, और जो भाई चैनल पर नया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो भाई करते हैं हम अपना आज का मिनी व्लॉग स्टार्ट। तो अभी मैं घर में था भाई, मैं सोया ही था, तो गाड़ी मेरी गई है भाई बाहर हरियाणा के लिए लोड करके। तो आज मैंने ड्राइवर भेजा, मुझे थोड़ा घर में काम था 5-4 दिन, तो वो निपटा के तब तक गाड़ी भी इंशाल्लाह वापस आएगी और मैं फिर खुद वापस जाऊँगा। बाकी रही बात भाई, अभी मैं जा रहा हूँ नौगांव, तो वहाँ पे एक ड्राइवर भाई है जो कि कुठवा में रहता है, तो उसको ना कुछ भाई गैस गाड़ी में लीक हो गया, तो भाई ने मुझे मैसेज किया। तो भाई ने जब फोटो भेजा, बोला ऐसा मसला है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसलिए भाई बोल रहा हूँ मैं श्रीनगर में रहता हूँ, हैदरपुरा में। मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे पता है भाई रास्ते में क्या होता है, हमारे साथ क्या नहीं होता है। मैंने भी जग खोला है, मैंने भी कोई टायर लगाया है, मैंने भी खलासी का काम किया है, अभी ड्राइवर बना हूँ। तो कम अज़ कम मैं भी ट्रक लाइन में 2014 से हूँ, तो इससे पहले मैं और गाड़ियाँ चलाता था। मैं चाहता हूँ भाई जब भी कोई श्रीनगर में ड्राइवर भाई होगा, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा, इंडिया में भाई किसी भी जगह से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब से हो भाई, सिख हो, कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं लेना, आपका भाई यहाँ पर हाजिर है। जब भी आपको कोई परेशानी होगी, कोई मुसीबत में फंसोगे, आप भाई को याद कर लो, आप भाई हाजिर होगा वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई नौगांव के लिए, तो मैं अभी नौगांव पुल पे पहुँच गया, जो कि नया फ्लाईओवर ने छोड़ दिया, ये क्रॉस करके गाड़ी आगे बोल रहा है मैं रेलवे के पास हूँ। तो मैं अभी भाई के पास जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ भाई इसको क्या मसला है। भाई को मैंने ऐसे फोटो पे देखा, इसने मुझे फोटो सेंड किया, बट मुझे मैसेज करो, कोई नहीं भाई, मैं हर किसी भाई को मैसेज का रिप्लाई करता हूँ वापस। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई भाई के पास, तो मैं देखता हूँ क्या मसला है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसको भाई डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। आ चुका हूँ मैं ये भाइयों के पास, तो देख सकते हो भाई इन भाइयों की क्या हालत हो गई है। भाई इनका गाड़ी में ना गैस लीक हो गया, तो ये देखो भाई इन भाइयों की क्या हालत हो गई है। तो ये भाई लोग रहते हैं कुठवा में, ये आप भी कुठवा में रहते हो। भाई ने मुझे मैसेज किया था, तो मैं घर में सोया था भाई, मैं लेटा था, थोड़ा तबीयत ख़राब थी, तो मैं जल्दी आ गया इधर। तो इसलिए मैंने बोला भाई जो भी कोई होगा, चाहे वो जम्मू का हो, पंजाब का हो, भाई हिंदुस्तान में किसी जगह का भी हो ना, कश्मीर आएगा भाई, रिंकू भाई हाजिर है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है भाई। जब भी आप मुझे मैसेज करोगे, इंशाल्लाह मैं और एक नंबर निकालता हूँ, फ़ोन नंबर, वो मैं भाई इस पर मैंशन करूँगा। जब भी कोई ज़रूरत होगी आपको श्रीनगर में, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, भाई आपके साथ है। कोई भी मसला, मैंने भाइयों को बोला था मैं ले जाऊँगा हॉस्टल, बट भाई बोल रहे हैं हम हॉस्टल जा रहे हैं, हॉस्टल ये होके आए, इनने दवाई ववाई ली। तो भाई और कुछ मेरे से कसम से, मैंने वैसे ही किया। हाँ भाई अगर आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह की कसम मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, कोई बात। मैं बोल रहा हूँ भाई चाहे कोई भी भाई हो ना, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी हो भाई, श्रीनगर में कोई भी मसला होगा किसी भाई का, मैं भी एक ड्राइवर हूँ भाई, इनकी तरह मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मैंने खुद देखा है भाई क्या क्या हो रहा है। कोई भी परेशानी होगा भाई को याद करो, इंशाल्लाह मैं उसी टाइम आऊँगा, बट खाली जेन्युइन होना चाहिए, कोई गलत काम होगा भाई उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जेन्युइन जो भी होगा ट्रक ड्राइवर के साथ, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा हर पल हर हमेशा, ठीक है। चलो भाई रिंकू भाई ने बहुत मदद की, मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने उसी टाइम भाई 15-20 मिनट में हमारे पास पहुंचे, और अभी कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाना, जहाँ जाना है ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू। चलो नहीं, इसमें भाई कोई शुक्रिया की बात नहीं है, मैंने बोला ना भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मैं आपको किसी भाई को भी, तो मैं उसके लिए भाई रेडी हूँ। अल्लाह हाफिज है, चलो चलो जाओ, अल्लाह के हवाले हैं। जब भी आओगे ना कोई मसला होगा भाई को याद करो, ओके। मैंने आपको नंबर दिया ना, मुझे फ़ोन करना, कुठवा में आऊँगा मैं जरूर। चलो कोई नहीं, थैंक यू यार, मैं नंबर सेव करूँगा आपका। भाई जिन भाइयों को बदनाम करना है भाई करने दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ, मैं भाई फिर खाली अल्लाह के लिए काम करता हूँ बस। इसका अजर मुझे अल्लाह ताला आखिरत में देना चाहिए बस, और कोई मसला नहीं है मुझे भाई, ना मुझे कोई पैसों की लालच है। मेरा यूट्यूब आगे जाएगा, इंस्टा आगे जाएगा, फेसबुक आगे जाएगा भाई। भाई यूट्यूब मुझे अभी पैसे आते हैं थोड़े बहुत, उतने भी नहीं, थोड़े बहुत तो आते हैं भाई, मुझ पर और मेरे घर पर उनमें से 1 रुपये भी हराम है भाई। अब ये नहीं बोलूँगा मैं भाई मैं किसको देता हूँ, मैं फिर लोग बोलते हैं भाई ये व्यूज़ के लिए करता है, इसलिए भाई वो नहीं बोल सकता हूँ मैं कि मैं किसको वो पैसे दे रहा हूँ और कहाँ दे रहा हूँ, वो नहीं बोल सकता हूँ मैं। बाकी भाई जिस भाई को बदनाम करना है ना भाई करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे ऊपर वाला राज़ी है ना, बस कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हर एक दरवाज़ा मेरे लिए खोल के रखा है, तो मैं शुक्र करता हूँ उस अल्लाह पाक का।
जिसने मुझे इतना आगे लिया। तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, किसी के घर से नहीं खाता हूँ मैं। बाकी जिन लोगों को बदनाम करना है उनको करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। कोई बोलना है मेरे बारे में बोलना तो भाई। बस बहुत बंदे ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता है, ये वीडियो पर डालता है वो डालता है। भाई आपका करो क्या करना है, बस मुझे ऊपर वाले का साथ होना है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब मुझे अल्लाह का साथ है मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बस यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा हूँ यार, कोई लालच है मुझे पैसों की। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ भेजा है, बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का। मुझे घर में ऐसा कोई नहीं है यार। मैं भाई ये चीज़ भी बोलूँगा, मैं ट्रक चलाता हूँ ना, ये मेरा शौक है भाई, ठीक है, मेरा शौक है ये ट्रक चलाना। तो बाकी रही बात, ऊपर वाले ने बहुत भेजा है, मुझे घर वाले भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि आप ये गाड़ी चलाओ बाहर जाओ इतना दूर घर छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के। बट ये मेरा शौक है भाई, मैं अपने शौक इससे पूरे करता हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने मुझे सब भेजा है, मैं ही नहीं बोलूँगा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे हेल्प करो, मेरे फॉलोअर बढ़ाओ, मुझे पैसों की जरूरत है भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं देता हूँ भाई किसी को जो भी मुझे आता है, चाहे 5,000 आते हैं, 2,000 आते हैं, 4,000 आते हैं। मुझे परसों एक वीडियो में आया 5,000 रुपये, मैं मेरे घर पर मेरे बच्चों पर वो पैसा हराम, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे फैमिली पर वो पैसे हराम। एक रुपए में अगर मैं अपने बच्चों को चिंगम दूंगा ना उन पे, वो भी हराम है भाई। मुझे इन चीज़ों से कोई लालच नहीं है, यूट्यूब से आगे जाऊंगा, मुझे फेमस होना है नहीं भाई, बस अल्लाह ताला मुझे राज़ी होना चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात भाई कुछ बंदे हैं जिन जो बोल रहे हैं हमारी इसके साथ नहीं बनते भाई, मेरे साथ चले, मेरे साथ खाया पिया, इसलिए भाई मेरे साथ नहीं टिक गए क्योंकि मैं सामने बोलता हूँ सच। भाई जो झूठ बोलेगा उसको मैं कभी साथ नहीं देता हूँ, जो गलत काम करेगा उसके लिए भी मैं साथ नहीं दूंगा कभी, ना कभी दिया है ना कभी दूंगा अल्लाह की मदद से। ना मैंने कभी किसी को गलत काम में कभी साथ दिया है ना दूंगा इंशाल्लाह कभी। बाकी जिस चीज़ में अल्लाह राज़ी हो वही काम करूंगा और दूसरों को भी बोलूंगा वही करो। इसलिए भाई इनको मेरा बर्दाश्त नहीं होता, ये तो आज ज़माना है ये भाई ऐसा है, जो सच बोलेगा उसको कोई साथ नहीं देगा, ठीक है भाई। बाकी रही बात, अगर मेरी वजह से किसी भाई को दुख पहुँचाओ या कुछ हो, मेरी वजह से कोई मसला उसको हुआ हो, तो उसके लिए मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का भाई कोई भरोसा नहीं है। आपने खुद देखा परसों हमारा एक भाई जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहता था, सरताज भाई, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। वो देखो भाई यहाँ से बेचारा गया जम्मू से माल भर रहा था, तो वहाँ पर उसके साथ क्या हादसा हो गया, उसके भी दो बच्चे थे भाई, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मुकाम करे। और जितने भी भाई है ना, सब भाई उसके लिए दुआ करो, क्योंकि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर मेरी वजह से भाई किसी का दिल दुखा हो तो मैं उन भाइयों से बोल रहा हूँ भाई, उसके लिए मैं माफ़ी यहीं से बोल रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ। चलो आपको लगता है यही गलत है, मैं ही गलत हूँ, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाकी मुझे किसी के साथ भाई कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। बट जब इंसान वहाँ से ज़्यादा छेड़ता ना, फिर इंसान भाई कितना बर्दाश्त करेगा। बाकी मेरा कोई किसी के साथ ज़ाती मसला नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ भाई मैं किसी के साथ झगड़ा रखूँ, क्योंकि इंसान को यहाँ नहीं रहना है भाई, एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के ही जाना है। इंसान वो काम करना चाहिए कि उसके बाद लोग उसके लिए दुआ करें। बस वो काम करो भाई जो आपको पीछे से फिर दुआ ही मिले, ये नहीं कि आपको फिर पेट पीछे गालियाँ देंगे, मरने के बाद भी आपको गालियाँ देंगे, वो नहीं है भाई। जो भी इंसान करना चाहिए सही काम करना चाहिए। बाकी दुआ में याद रखना आप सब। तो बैठो अल्लाह के हवाले, अस्सलाम वालेकुम।